आईपीएल के सीजन 13 के तीसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए डेब्यू स्टार देवदत्त पाडिकल ने 56 रन और एबी डिविलियर्स के 51 रन की बदौलत 20 ओवरों में 5 विकेट पर 163 रन बन गए। टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद 19 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर केवल 153 रन ही बना पाई, यानी विराट की टीम ने आईपीएल 13 में जीत से खाता खोल लिया है। 164 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत तो बढ़िया रही, लेकिन कप्तान डेविड वार्नर थोड़ा अनलकी रहे। बेरिस्टो की स्ट्रेट ड्राइव स्टंप्स पर जा टकराई और वार्नर को 6 रन पर लौटना पड़ा। हालांकि इसके बाद मनीष पांडे और बेरिस्टो ने दमदार बैटिंग की। दोनों ने बेंगलोर की गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर को मनीष पांडे ने छक्का जड़ा और टीम को 50 के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ बेरिस्टो भी धमाकेदार बैटिंग करते नजर आ रहे थे। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर महज 1 विकेट पर 78 रन था। मनीष पांडे और बेरिस्टो के बीच 71 रनों की साझेदारी हुई। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 164 रनों का टारगेट रखा था। आरसीबी ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 163 रनों का स्कोर खड़ा किया था। मैच के आखिर में डिविलियर्स ने और बेंगलोर ने तीसरा विकेट विराट कोहली के रूप में खोया था। कोहली ने 13 गेंदों पर महज 14 रन ही बनाए थे। कोहली का विकेट 123 के स्कोर पर गिरा। हालांकि कोहली के जाने के बाद डिविलियर्स ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और लास्ट के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलकर टीम को चैलेंजिंग स्कोर दिया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद पाने में नाकाम रही। डीवी लाइव की रिपोर्ट।